गट्टू चिंकी इन आईपीएल। गट्टू और चिंकी को खेलना कूदना तो सबसे ज्यादा पसंद था। दोनों में से गट्टू को जितना क्रिकेट पसंद था उतना चिंकी को नहीं था। और इन दिनों जब पूरे भारत में आईपीएल का माहौल था तो गट्टू चिंकी की सोसाइटी भी आईपीएल को एंजॉय कर रही थी। मम्मी मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ। अरे गट्टू चिंकी को भी अपने साथ ले जाओ। मम्मी उसे क्रिकेट खेलना भी नहीं आता, वो क्या करेगी आकर। अरे तो उसे सिखा दो, नहीं तो अंपायर बना दो। नहीं नहीं मम्मी रहने दो, मुझे नहीं खेलना। गट्टू को तो हर जगह बस क्रिकेट ही क्रिकेट नजर आ रहा था। क्लास में सभी बच्चे क्रिकेट के ही धुन में थे। चिंकी तो वही विकेट रन कैच रन आउट बातें सुन रही थी। अरे धोनी ने क्या सिक्स मारा था पता है ना। हाँ भाई सबसे अच्छा प्लेयर तो वही है, लेकिन सबसे ज्यादा रन तो विराट कोहली निकालता है। मेरे पापा के साथ मैं भी कभी कभी क्रिकेट देखती हूँ, मुझे भी सबसे ज्यादा विराट कोहली ही पसंद है। इतने में चिंकी चिढ़कर मास्टर जी से कंप्लेंट कर देती है, जिसका असर अलग ही हो जाता है। मास्टर जी देखो गट्टू नीलेश भूषण सब लोग हल्ला मचा रहे हैं। क्या हो रहा है वहाँ? गट्टू खड़े हो जाओ, ये गणित की पहेली सॉल्व करो। मास्टर जी ने ब्लैक बोर्ड पर 4×9=2 ये गणित लिखा और गट्टू को जवाब देने को कहा। बताओ जल्दी गट्टू बेटा। मास्टर जी मैं बताऊं? गट्टू को नहीं आएगा, उसे बस क्रिकेट के बारे में पूछो, वही आएगा उसे। गट्टू ने तुरंत नंबर आउट किए और आंसर बताया। मास्टर जी 36 रन्स। और पूरे क्लास के साथ साथ मास्टर जी भी हंसने लगे। शाम को जब सभी बच्चे सोसाइटी के ग्राउंड में थे तब बातें भी क्रिकेट और आईपीएल की ही चल रही थी। क्रिकेट की बात चल रही हो और वहाँ गट्टू ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन गट्टू के साथ साथ मम्मी ने भी चिंकी को खेलने भेज दिया था। गट्टू यार कितनी देर लगाते हो आने के लिए, शाम हो जाती है तो हमारा खेल हमेशा अधूरा रह जाता है। नीलेश सही कह रहा है गट्टू, और वैसे भी थोड़ी देर बाद आईपीएल मैच शुरू होने वाला है, हमें जल्दी निकलना चाहिए। फिर से एक बार आईपीएल का नाम सुनते ही चिंकी को गुस्सा आया और वो चिल्लाई, ये क्या हर वक्त आईपीएल आईपीएल करते रहते हो तुम सब, और भी टॉपिक है बातों के लिए। अरे चिंकी आईपीएल का नया सीजन शुरू हो गया है इसीलिए सब उसकी बातें करते हैं। मुझे तो ये तुम्हारा आईपीएल के लिए जोश अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम है। सबको बुरा लगता है, कोई तो चिंकी की तरफ ध्यान भी नहीं देता। लेकिन चिंकी बोलती ही जाती है। देखो चिंकी तुम्हें आईपीएल पसंद नहीं है तो फिर हम क्यों अपनी बातें करना छोड़ दे। लेकिन और भी तो खेल है, तुम्हें पता नहीं हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है, क्रिकेट नहीं। पर हम सबकी पसंद तो क्रिकेट है। चिंकी चिढ़ कर वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन सब बच्चे गार्डन में खेलने आते हैं और खेल के बीच ही गट्टू को एक जबरदस्त आइडिया आता है। सुनो 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 सब लोग, मेरे पास एक आइडिया है, हम सब बहुत एंजॉय करेंगे। कैसा आइडिया गट्टू? हाँ हाँ गट्टू जल्दी बताओ कैसा आइडिया। मेरे दिमाग में एक बढ़िया प्लान आया है। अरे तो बताओ ना जल्दी। गट्टू साथ में आईपीएल की मैच देखने का प्लान बनाता है। संडे के दिन शाम को हम सबकी फेवरेट टीम की मैच है, हम सब लोग इकट्ठा होकर मैच देखे तो बहुत मजा आएगा। फिर वही आईपीएल आईपीएल, मुझे नहीं आना देखने। और चिंकी वहाँ से चली जाती है। अरे चिंकी रुको तो। हाँ हाँ सुनो तो पहले। मैं नहीं रुकने वाली। चिंकी के जाने के बाद भी सब बच्चे डिस्कस करते हैं। तुम बताओ गट्टू प्लानिंग कैसे रहेगी। हाँ हाँ हम सब लोग संडे को शाम को मेरे घर इकट्ठा होंगे और आईपीएल का मैच देखेंगे। लेकिन गट्टू तुम्हारी मम्मी मानेगी? अरे वो खुद ही क्रिकेट बहुत बार देखती है। लेकिन तुम एक बार उनकी परमिशन ले लो ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है। गट्टू घर पहुँचता है तो देखता है कि चिंकी गुस्सा है, वो पहले उसे मनाता है। चिंकी मेरी प्यारी बहन क्या काम है? अरे हम सब लोग साथ में आईपीएल का मैच देखते हैं ना, वो मुझे वेस्ट ऑफ टाइम लगता है। चिंकी हमें हमारे भारतीय प्लेयर्स को सपोर्ट और चीयर्स करना चाहिए ना। हाँ ये बात तो है। तो हम साथ में अगर मैच देखते हैं तो उन्हें सपोर्ट भी होगा और हमें मजा भी आएगा। जैसे तैसे चिंकी मान जाती है और फिर वो मम्मी से पूछने को कहती है। ठीक है
हम साथ में एंजॉय करेंगे, लेकिन तुम एक बार मम्मी से पूछ लो। मम्मी रसोई घर में काम कर रही होती है और तभी गट्टू दौड़ते दौड़ते वहाँ पहुँच जाता है। मम्मी मम्मी, क्या है गट्टू, बोलो। मम्मी, कल परसों संडे को हम सब मिलकर घर पर आईपीएल मैच देखना चाहते हैं। अरे तो इसमें पूछना क्या, जरूर देखो। गट्टू खुश हो जाता है। ये थैंक यू मम्मी। गट्टू और मम्मी की बातें पापा सुन लेते हैं। वो सोचते हैं, अच्छा तो ये बात है। गट्टू दूसरे दिन सबको ग्राउंड पर प्लान समझाता है। सुनो दोस्तों, मम्मी मान गई है, हम सब लोग कल शाम को अपनी फेवरेट टीम का मैच साथ में देखेंगे। तो हम सब तैयारियां करना शुरू कर देते हैं। हाँ हाँ, मैं सबके लिए घर से पॉपकॉर्न लाऊंगा और मैं पापा की दुकान से कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आऊंगा। तो दोस्तों, हम कल मिलते हैं हमारे घर। दूसरे दिन सब लोग गट्टू और चिंकी के घर पर इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही गट्टू टीवी ऑन करता है तो पता चलता है कनेक्शन ही गायब है। ये क्या गट्टू, कनेक्शन तो कटा हुआ है। मेरे घर भी वही दिक्कत थी, कनेक्शन तो नहीं था। सोसाइटी में सबके घर का कनेक्शन गायब हो गया होता है। अब हम मैच कैसे देखेंगे, एक घंटे में शुरू हो जाएगा मैच। तभी अचानक गट्टू के पापा वहाँ पर आ जाते हैं। पापा देखो ना, कनेक्शन नहीं आ रहा, हमें मैच देखना है। अरे तो टीवी पर क्यों देखनी है मैच, हम सीधा स्टेडियम पर चलते हैं। पापा जेब में से सबके लिए लाए मैच के टिकट दिखाते हैं। सब लोग खुश हो जाते हैं। वाह पापा, थैंक यू सो मच। ये चलो चलो, जल्दी जल्दी चलो, कहीं मैच शुरू ना हो जाए। सब लोग जैसे ही स्टेडियम पहुंचते हैं, यहां सोसाइटी का टीवी कनेक्शन फिर से जुड़ जाता है और मम्मी गट्टू चिंकी और बाकी सारे बच्चों को टीवी पर देखती है। सब बच्चे उस रोमांच से भरपूर आईपीएल मैच का आनंद उठाते हैं, जिसकी चर्चा फिर बाद में हफ्तों तक चलती है। गट्टूस फुटबॉल मैच। बच्चों को कब कौन सी चीज अच्छी लगे, कब कौन सी आदत लग जाए, कोई नहीं कह सकता। गट्टू को भी एक आदत लग चुकी थी, नींद में राइट वाला पैर जोर जोर से हिलाने की। सुनकर आपको हंसी आएगी, लेकिन जब आधी रात में चिंकी पानी पीने के लिए उठी, उसने अंधेरे में जोर जोर से हिलता पैर देखा तो वो जोर से चिल्लाई, मम्मी पापा। मम्मी पापा भागते हुए कमरे में आए, लाइट्स ऑन हुए और उन्होंने चिंकी से पूछा, क्या बात है बेटा, क्या हुआ। वो देखो। मम्मी पापा ने जब गट्टू की तरफ देखा तो उनकी हंसी फूट गई, क्योंकि गट्टू गहरी नींद में था और अपना राइट पैर उठाकर हवा में लगातार किक किए जा रहा था। काफी फनी दिख रहा था वो। हे भगवान, अब ये क्या नया शुरू कर दिया गट्टू ने। गट्टू उठो बेटा, गट्टू। मम्मी पापा की आवाज से गट्टू की नींद खुल गई। उसने कहा, मम्मी पापा आप यहाँ, क्या बात है। हवा में हेलीकॉप्टर की तरह पैर घुमा रहे हो और पूछते हो क्या हुआ, कितना डर गई थी मैं, पता है। मैं नहीं नहीं, शायद तुमने कोई सपना देखा होगा। ये सुनकर पापा हंसते हुए बोले, तुम्हें क्या लगता है गट्टू, तुम्हारी मम्मी और मैं भी यहाँ आकर सपने देख रहे थे। बेटा तुम सच में हवा में जोर जोर से किक कर रहे थे। कोई बात नहीं, होता है ऐसा, चलो सो जाओ सब। लेकिन ऐसा रोज रोज होने लगा था। रोज गट्टू गहरी नींद में अपना पैर हवा में हिलाता था और बेचारी चिंकी की नींद उड़ जाती थी। फिर चिंकी ने एक आइडिया किया, उसने गट्टू का वो वाला पैर ही बांध दिया। अब सारी प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन नहीं, गट्टू का बंधा हुआ पैर भी डांस करने लगा और चिंकी ने अपना माथा पीट लिया। हे भगवान। ये कहानी बेडरूम के अंदर ही नहीं रुकी, बेडरूम के बाहर सोसाइटी और स्कूल तक जा पहुंची। दरअसल बात ये थी कि अब गट्टू नींद में ही नहीं बल्कि जागते टाइम भी एक पैर हवा में किक कर रहा था और उसकी वजह से उसके आसपास के लोग खतरे में आ गए थे। उस दिन तो गट्टू की लात बंटी की आंख तक पहुंच गई और ये बात मिश्रा सर को पता चली तो वो भी परेशान हो गए। गट्टू हवा में लात मारता हुआ चल रहा था, रास्ते में कोई टीन का कैन मिले तो उसे ठोकर मारते मारते घर तक ला रहा था। घर में कैंस का ढेर हो गया
और फिर पापा मम्मी सीरियस हो गए। गट्टू ये क्या आदत लग चुकी है तुम्हें, पहले बेडरूम और अब बेडरूम के बाहर भी। बंटी बाल बाल बचा उस दिन, चिंकी बता रही थी, जो मिला उसे लात मारते मारते घर ले आते हो, फिर वही वापस मुझे कबाड़ी वाले को बेचना पड़ता है। मम्मी मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, लात घुमाना मेरा पैशन बन गया है। ऐसा नहीं है कि मैं किसी को चोट पहुँचाना चाहता हूँ या फिर किसी को डराना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ये समझ ही नहीं आ रहा कि मैं सब कुछ छोड़कर अपनी लात के ही क्यों पीछे पड़ा हूँ। गट्टू समझ नहीं पाया था लेकिन पापा समझ गए थे। पापा गट्टू से बोले, डोंट वरी बेटा, मैं समझ गया हूँ और तुम्हारे इस आदत का एक अच्छा इलाज है मेरे पास, तुम्हें बहुत पसंद आएगा। वो क्या है पापा? शाम को मेरे साथ चलना, अपने आप पता चल जाएगा तुम्हें। फिर शाम को पापा गट्टू को लेकर एक स्पोर्ट शॉप पर आए और वहाँ से उन्होंने गट्टू को एक फुटबॉल निकाल कर दिया। फुटबॉल देखते ही गट्टू के चेहरे पर बढ़िया सी स्माइल आ गई और उसका राइट लेग डांस के मोड में आ गया। वाओ पापा, फुटबॉल मुझे यही तो चाहिए था, यही तो था जिसके लिए मेरा लेग बार बार नाच रहा था। बस प्रॉब्लम यही थी कि मुझे उस वक्त पता ही नहीं था कि मुझे फुटबॉल चाहिए। और गट्टू बस ऐसा कहकर ही नहीं रुका, उसने फुटबॉल जमीन पर छोड़ा और फुटबॉल के साथ साथ गट्टू भी जंप करते हुए खेलने लगा। पापा के साथ साथ शॉप वाले अंकल भी खुश हो गए। इतनी छोटी उम्र में फुटबॉल पर इतना अच्छा होल्ड, देखना सर एक दिन बहुत बड़ा फुटबॉल प्लेयर बनेगा आपका गट्टू। ये सुनकर तो गट्टू की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। अब आगे की स्टोरी तो और इंटरेस्टिंग बन गई थी क्योंकि गट्टू को लात मारने के लिए एक ऐसी चीज मिल गई थी जिसमें मजा भी आता था और कुछ कहता भी नहीं था। गट्टू रोज स्कूल से घर आते ही और सुबह स्कूल जाने से पहले फुटबॉल की जोरदार प्रैक्टिस करता था। एक दिन तो वो अपना फुटबॉल अपने साथ स्कूल लेकर गया और जैसे ही टाइम मिला फुटबॉल खेलने लगा। स्कूल के बहुत से बच्चे भी फुटबॉल लेकर स्कूल आने लगे और देखते देखते स्कूल के ग्राउंड में बस फुटबॉल ही फुटबॉल नजर आने लगे। हेडमास्टर पांडे ने ये बात नोटिस की और वो मिश्रा सर से बोले, सर क्या कहते हो जाए बच्चों के साथ एक एक मैच। हाँ सर, मैं भी यही सोच रहा था, अब माहौल बन ही गया है तो मार ही देते हैं किक। फिर क्या, दो टीम बनाई गई, एक गट्टू की टीम और दूसरी बंटी की टीम। दोनों को बराबर प्लेयर्स बांट दिए गए और फुटबॉल मैच शुरू हुआ। मिश्रा सर और पांडे सर गोलकीपर की पोजीशन पर थे, गट्टू मिश्रा सर की टीम में था। गट्टू ऐसे ऐसे किक मार रहा था कि उसकी बॉल रोकते रोकते पांडे सर के पसीने छूट रहे थे। अरे क्या कमाल खेलता है ये बच्चा, इसकी किक से छूटी हुई बॉल तो दिख ही नहीं रही, गोल पर गोल किए जा रहा है बस। इस प्रकार मैच संपन्न हुआ तो गट्टू की टीम जीत गई थी। वाह बच्चों, गट्टू वेल डन, हाँ तुम्हारा किक परफॉर्मेंस अच्छा है, और भी बहुत कुछ सीखना है तुम्हें फुटबॉल में, लेकिन डोंट वरी, पांडे सर ने तुम्हारे लिए कुछ सोचा है। गट्टू मैं तुम्हारे लिए एक फुटबॉल ट्रेनर की अरेंजमेंट कर रहा हूँ स्कूल की तरफ से, वो खास तुम्हें ट्रेन करेगा, तुम स्कूल की तरफ से फुटबॉल खेलोगे और अपने साथ साथ स्कूल और देश का नाम भी रोशन करोगे। ये सुनकर गट्टू इतना खुश हुआ कि उसने एक जोरदार किक फुटबॉल को मारी और फुटबॉल हवा को चीरते हुए ऊपर आसमान में गायब हो गया। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।